10,000 कान लेकर क्या करोगे? तब कहते भैया हमको 10,000 कान मतलब ये है, कान तो दो ही हो लेकिन ये दोनों कानों में आप इतने शक्ति दे दो कृष्ण कथा सुनने की, जैसे 10,000 कानों में जितने शक्ति ये दोनों कान में उतना शक्ति दे दो, नहीं तो जैसे यहाँ कृष्ण कथा हो रही है, और भी तो कहीं कृष्ण कथा कहीं होती होगी, लेकिन कहीं की कथा जैसे चुप नहीं जाए, जहाँ पर जितना जहाँ जहाँ कथा हो रही है मैं उतना स्वरूप को लेकर के उतना रूप लेकर के वहाँ मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। इसलिए नकाम है नाथ तदप्यम कचित नजत्र जुस्मात चरणाम हो जा सब। इसलिए प्रभु जहाँ पर तुम्हारी कीर्तन नहीं, जहाँ तुम्हारा उत्सव नहीं, सुरेश लोक को भी नब्बे सभ्यता ये देव लोग क्यों हो, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हारी कथा कृति उत्सव नहीं, जहाँ पर जन्माष्टमी नहीं, जहाँ पर राधाष्टमी नहीं, जहाँ पर तुम्हारी कथा नहीं। कहते सुरेश लोक को भी नब्बे सभ्यता हो, देव लोग होने पर भी मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। इसलिए जो कृष्ण कथा है वो बड़ा मीठा कृष्ण कथा बड़ा मीठा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भागवत में अलग अलग स्थान पर कृष्ण कथा के उन्होंने अलग अलग नाम दिया। कहते सुत गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले काल व्यालम मुख ग्रास त्रास निर्नस है तबे। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो काल है ये काल नहीं ये व्यालम, व्यालम मतलब ये सर्प है, सर्प जैसे निगल जाती है उसी तरह जो काल रूपी है जो सर्प है ये जीव को ये निगल रहा है, धीरे 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 निगल रहा है। हम लोग क्या कहते हैं, कितना उम्र हम अपना मोच में हाथ लगा रहे 50 साल के हो गए, जानते हो हमारे ऐसे बाल पक नहीं गया है, हमारे बाल ऐसे नहीं पक गया है, वैसे थोड़ी बाल पक गया। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम 30 साल 40 50 साल के नहीं, 50 साल के नहीं हो गए, हमारी 50 साल खत्म हो गया, हम 50 साल मर गए हैं, हम कोई बड़े नहीं हो रहे हैं, सबके सब हम धीरे धीरे सबके सब छोटे होते जा रहे, कोई बड़े नहीं हो रहे। ये काल रूपी जो सर्प ये हर जीवों को ये ग्रास कर रहा है, लेकिन इस सबका समय तो नष्ट हो रहा है, लेकिन किसका समय नष्ट नहीं होता है, बोले तस्य कृते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ता। जितना समय हम भगवान की कथा में भगवान के भजन भक्ति में जितने समय को हम अतिवाहित करते हैं उतना समय ही हमारा नष्ट नहीं होता है, नहीं तो ये सूरज पूर्व दिशा में उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होकर हमारे सारे समय को ये नष्ट कर रहे, सारे समय को ये नष्ट कर रहा है, लेकिन जितने समय हम भगवान की कथा सुनते हैं केवल तो वही समय हमारी बच जाती है। इसलिए पिछले काल मैंने एक अच्छा उदाहरण देकर बताया, आप देख रहे हैं नेवला सांप में कभी कभी लड़ाई होता है, नेवला सांप देखा है, कभी देख रहा हूँ नेवला सांप में लड़ाई होता है, अगर ये सर्प अगर नेवला को काट देना, ये नेवला को पता है कौन सा मेडिसिन खाने से ये हम सही हो सकते, नेवला को पता है सब बात। इसलिए अगर सांप और काट देगा ना नेवला बोले एक्सक्यूज मी लास्ट में ऐसे करते 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 नेवला सांप को मार कर। यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, इसलिए हमें नेवला है ये काल रूपी सर्प ये क्या चाहता है, हमको ग्रास करना चाहता है, लेकिन हम क्या एक्सक्यूज मी पर रुक जाते हैं, हम आते हैं क्या है, हम बोले ये कृष्ण कथा अभी सुन करके, हम कृष्ण कथा सुन करके अभी आते हैं, थोड़ा रुक जा हैं, ये कृष्ण कथा क्या है, कहते श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, ये कथा नहीं ये भक्ति रूपी लता में ये पानी देना ये कृष्ण कथा है, हैं? अब देखना एक घंटा हम कथा सुन गया ना, ए भक्ति जीवन तंदुरुस्ती हो जाते हैं, पूरा पुष्ट हो जाती है भक्ति जीवन एकदम पूरा तंदुरुस्ती, भजन करने की भावना जी सवेरे उठ करके हरिनाम कीर्तन कथा सुनने के बाद ना कैसे लगता है, ए एकदम एकदम चुस्ती शरीर में पूरा चुस्ती आ जाती है, जैसे घड़ी में अलार्म देते
चाबी देते हैं ना, वो 24 घंटा तक 24 घंटा फिर दो बार उसको फिर चाबी देना पड़ता है। ये कृष्ण कथा भजन ये हाँ कृष्ण भक्ति का चाबी ये है। इसलिए यही सही कृष्ण कथा सुनते सुनते ये काल को साथ में लड़ाई कर रहे। क्यों? काल क्या चाहता है? समय को नष्ट करना है। लेकिन दुनिया तो काल को डरता है, लेकिन काल किसको डरता है? बोले कृष्ण भक्त डराए दिखिया काल चक्र डराए दिखिया विष्णु दास। ये सबके सब काल को डरते हैं, लेकिन काल किसको डरता है? बोले काल वैष्णव को डरता है। क्यों? वैष्णव वैष्णव है भगवान भजन कीर्तन उनका नाम कीर्तन करते हैं। इसलिए हम लोग जो बैठे हैं ना कृष्ण कथा नहीं कृष्ण गोद में बैठे हैं। सभी का काल परमा नष्ट करता है, लेकिन ये समय हमारी नष्ट नहीं हो रहे। इसलिए कहते ये काल ब्यालन मुख ग्रास त्रास निर्नस है तवे। ये काल सभी का समय भी नष्ट कर रहा है, लेकिन जो भगवान की भक्ति भजन करने वाले इनके समय को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान सेवा कुंज में बैठे करके हम लोग हैं। हम राधा रानी के हृदय स्थान जहाँ बैठे करके हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। आज भी कुछ कुछ वैष्णव लोग थोड़ा थोड़ा ठाकुर को विषय भगवान के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। आप है सविता दीदी का नंबर नहीं आ रहा है, पहले पहले हमारी प्रभु जी थोड़ा बोलते ज्ञान इंद्रस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं पूज्यपाद भक्तिवेदांत क्षेत्र गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी के चरण कमलों में और पूज्यपाद संजय प्रभु जी और उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवों के चरण कमलों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। हमारा बड़ा ही सौभाग्य का दिन चल रहा है कि हम लोग इस कार्तिक व्रत का पालन करते हुए और ब्रजमंडल परिक्रमा करते हुए जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और श्री महाराज जी के मुख से हमें सुंदर सुंदर कथाएं सुनने को मिल रही हैं। यह जो कार्तिक व्रत है इस कार्तिक व्रत को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा व्रत। क्यों? क्योंकि यह जो महीना है यह महीना इसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्रीमती राधिका। तो इसको बोला जाता है ऊर्जा व्रत। कह रहे हैं ये ऊर्जा की हमें क्या आवश्यकता है, क्योंकि भगवान की जो तीन शक्तियाँ हैं जीव शक्ति माया शक्ति और अंतरंगा शक्ति, उसमें से जो जीव शक्ति के बहुत सारे अंश हैं वही सारे क्या हैं? या तो वो कुछ उसमें से बद्ध जीव हैं या मुक्त जीव हैं। जो मुक्त जीव हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, उनके उनके पास तो हमेशा ही ऊर्जा रहती है, क्योंकि वो तो भगवान के पास ही सदा निवास करते हैं और उनके सेवा में ही लगे रहते हैं। परंतु जो बद्ध जीव हैं जिन्होंने माया को भोग करने की इच्छा की तो वो इस संसार में आकर के फंस गए। अब जब वो इस संसार में आकर के फंस गए तो पहले ही वो बड़े ही क्षुद्र जीव हैं, बहुत ही छोटे हैं जो जो संसार में फंसे हुए हैं। ऊपर से उनके पास दोबारा भगवान पर तक जाने के लिए कोई बल नहीं है। तो इसलिए यह जो ऊर्जा व्रत है ये ऊर्जा व्रत जो बद्ध जीव हैं उन सबको बल प्रदान करने के लिए ही उपस्थित होता है। यद्यपि हम तो प्रतिदिन ही जो है भक्त लोग तो कुछ ना कुछ भक्ति के अंगों का हम पालन करते हैं सुबह से लेकर के संध्या तक, परंतु जैसे विशेष त्योहारों पर ऑफर आते हैं जैसे दिवाली पर कुछ बोनस आता है, तो उसी तरह से राधा रानी ने यह जो महीना है ये हमें ऑफर के रूप में दिया है कि अगर इस महीने में हम और अच्छे तरीके से इन नियमों का पालन करेंगे तो हमें जो है उस चिदबल की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं कि परंतु स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाता है तो किसी भी जीव का मन जो है भक्ति में लगता नहीं, जो भी मुख जीव है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रहलाद महाराज जी भागवतों में कह रहे हैं मतेर्ण कृष्णे परता सतोवा मिथो अभिपत्येत गृह व्रता नाम अदांत गोभीर विश्वांत मिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चरवना नाम। क्या कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो बद्ध जीव है उसकी मति स्वाभाविक रूप से कभी भी कृष्ण में नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? मतेर्ण कृष्णे परता सतोवा
मिथो अभिपद्यत ग्रह व्रतानाम। क्यों? क्योंकि जो साधारण जीव है वो क्या होता है, ग्रहव्रती होता है। हम लोग जैसे इस कार्तिक महीने में क्या कर रहे हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा। परिक्रमा शब्द का क्या अर्थ है, किसी वस्तु के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, जो इसका लिटरल मीनिंग है परिक्रमा का। तो हम लोग जो परिक्रमा करते हैं तो क्या करते हैं, हम भगवान के नाम रूप गुण लीला, भगवान के धाम, भगवान के परिकरों, संतों वैष्णवों के इर्द गिर्द जो है हम चक्कर लगा रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज जी क्या बता रहे हैं, गृह व्रतानाम, कि जो संसार में जो फंसे हुए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कोई अपने पति के पीछे, कोई पत्नी के, कोई माता के, कोई पिता के, कोई भाई बहन, कोई देश के, कोई समाज के, इस प्रकार उन सब के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उनके प्रति आसक्ति है। आसक्ति होने के कारण केवल मात्र हम उसी को सेंटर में रख के, जैसे चक्की होती है, चक्की के बीच में कील होता है, तो कील के आसपास ही जो है वो जो पार्ट होते हैं वो घूमते रहते हैं। उसी तरह से जो संसार में जो जीव है वो क्या करते हैं, उसी अपना जो घर परिवार है या अपनी जहां पर भी आसक्ति है संसार में, उसी के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाते रहते हैं। परंतु इसी चक्कर को जो हम संसार में लगा रहे हैं, इसी चक्कर को अगर हम भगवान, जो भगवान के परिकर हैं, भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि हैं, उनके इर्द गिर्द लगाना शुरू करते हैं तो हमें इस चिदबल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो वहां पर प्रहलाद महाराज जी और भी बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है, अदांत गोभीर विश्रांत मिश्रम। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिया क्या है, अनियंत्रित हैं, हमेशा पांच विषयों के प्रति धावित होती रहती है, रूप रस शब्द स्पर्श गंध। जहां पर भी ये पांच वस्तुएं हमें मिलती हैं, जो जीव है वो बद्ध जीव जो है उसके प्रति ही धावित होता रहता है। इसीलिए जो भगवान में मति नहीं लगती, और वह जीव कभी यह नहीं जा सकता कि नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाय बहिरर्थ मानिना, कि जो परमार्थ है, जो स्वार्थ है वो क्या है, केवल मात्र भगवान में ही है। क्योंकि संसार में क्या है, जो माता पिता है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, माता पिता बालकन ही बुलावही उधर भरी सो धर्म सिखावही, कि माता पिता क्या करते हैं, अपने अपने बच्चों को केवल मात्र क्या सिखाते हैं, पेट भरने का साधन, कि भैया अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर अच्छी बीवी मिल जाएगी, फिर बच्चे होंगे, और बस केवल मात्र पेट भरने तक का ही जो है उनको साधन बताते हैं कि किस तरह से इस दुनिया में सर्वाइव करना है, केवल मात्र इतनी ही शिक्षा देते हैं। लेकिन कोई भी माता पिता जो है बच्चों को परमार्थ की शिक्षा नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही जो है केवल मात्र शारीरिक स्वार्थ में फंसे हुए हैं, तो वो कैसे परमार्थ की शिक्षा देंगे। परमार्थ की शिक्षा तो केवल मात्र कौन देता है, साधु देते हैं। तो इसके अगले श्लोक में क्या कहते हैं, नैषा मते स्तावत उरु क्रमांग्रिम स्पर्शति अनर्थ उपगमो यदर्थ महेशा बादरजो अभिषेकम निष्किंचनानाम नागृणी यावत। पहले तो प्रहलाद महाराज ने बता दिया कि स्वाभाविक रूप में मति जो है लग नहीं सकती, अब उसका उपाय बता रहे हैं कि मति लगेगी कैसे। मेरे नैशा मति स्तावत पूर्व मांग रही कि उसकी उस व्यक्ति की मति तब तक नहीं लग सकती भगवान के चरण कमलों में। वो चरण कमल कैसे हैं, अनर्थ उपशम, कि जो जितने भी प्रकार के हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जितने भी प्रकार के हमारे अनर्थ हैं उनको दूर करने वाले जो भगवान के चरण कमल हैं, उनमें जो मति है वो शीघ्र नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि जब तक हम लोग महेशा पाद रजो अभिषेकम, जब तक हम जो है साधु संतों के वैष्णवों के चरण कमलों की रज में अभिषिक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक जो है हमारी मति कभी भी भगवान के चरणों में नहीं लग सकती। भक्त क्या वो एक चतने चरतामृत में प्यार आता है ना, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष यही तीन साधनेर बल, कि जो साधन है उसके तीन बल क्या है, यही चिदबल। चिदबल किससे प्राप्त होगा, इन तीन चीजों के, कि एक तो वैष्णवों का चरणामृत, वैष्णव का उच्छिष्ट और वैष्णव के चरणों की रज। तो जब तक ये प्राप्त नहीं होगा तब तक जो है हमारी मति कभी भी भगवान में नहीं लग सकती। और जो परिक्रमा है, परिक्रमा में हमें ये सब चीजें सहज रूप में प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि जब हम परिक्रमा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम साधु संतों के पीछे पीछे गुरुदेव के अन्य वैष्णवों के पीछे पीछे चलते हुए धाम का दर्शन करते हैं, तो हमें जो है उस चिदबल की प्राप्ति होती रहती है। तो इसीलिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम नवधा भक्ति बताई प्रहलाद महाराज जी ने, उसमें सबसे पहले क्या बताया, शबनम,
कि हमें श्रवण करना पड़ेगा अर्थात साधु संघ, क्योंकि साधु संघ में तो श्रवण होगा, क्योंकि साधु संघ में क्या होता है कि भगवान की वीरवती कथाओं का श्रवण करने को मिलता है। जब हम भगवान की उस महिमा को श्रवण करते हैं जिसमें भगवान की नाम रूप गुण लीला इत्यादि का वर्णन है, तब हमें स्वाभाविक रूप में ही वो अंदर से एक उत्साह मिलता है कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, हमें भी उन भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। तो इसीलिए यह जो कार्तिक का महीना है यह बहुत ही कृपा करके श्रीमती राधा रानी ने जो है इसको प्रकट किया है कि हम जैसे जो भी बद्ध जीव हैं उनको भगवान के चरणों में जो है हमारी मति लग सके और यह जो ऊर्जा है हमें प्राप्त हो सके। तो इसी यह कहकर ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ कि गुरु वैष्णव से कृपा प्रार्थना करता हूँ कि यह जो चितबल है ये हमें प्राप्त हो और हम जो है इसी तरह से ब्रजमंडल परिक्रमाएं करते रहें और अपने साधन को इसी तरह से आगे चलाते रहें। वांछा गुरु वैष्णव अरे सविता आ जाओ, माइक उधर दे तो गुरुदेव के पीछे इधर आ जाओ गुरुदेव से इधर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात पूज्यपाद श्री श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मेरे वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा जथा योग दंडवत प्रणाम। आज बहुत सौभाग्य का दिन है, भगवत कथा कहने का अवसर मिला। अभी अभी सुन रहे थे पूर्व वक्ता महोदय से, इस महीने को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा माने पावर शक्ति। गुरु महाराज जी कहा करते थे कि हम दो बार अपने अनुयायियों को चाबी दे देते हैं। आजकल तो बैटरी वाली घड़ी हो गई है, पहले चाबी वाली घड़ी होती थी, कभी कोई 24 घंटे वाली होती थी, कोई एक हफ्ते वाली, कोई एक साल वाली, कुछ जैसे भी हो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ऐसे गुरु महाराज जी कहते थे हम दो बार चाबी दे देते हैं। गौर पूर्णिमा के दिन, गौर पूर्णिमा माने गौर मंडल परिक्रमा के समय और ब्रजमंडल परिक्रमा के समय, जिससे कि आसानी से हमारे शिष्य प्रोसेस अच्छे से चलते रहें। मैं कथा सुनने के लिए मैं कुछ बोलने कुछ आई थी और दिमाग में सेटअप कुछ हो गया। दूसरा मैं बोलने आई थी कि पूज्यपाल हमारे संजय प्रभु जी सचमुच, सम्मुख कहने से अच्छा नहीं होता है, सचमुच जो इस गौड़िया बेद अपने गौड़ियाओं का जो एम है, जो लक्ष्य है अपना, उसके ऊपर इतना धुरंधर, इतना स्पष्ट, इतना गोस्वामियों के विचार बोल रहे हैं, सुनकर बड़ा सुख मिलता है। मैं उसी के ऊपर बोलने आई थी कि जो बोल रहे हैं कि अंतर्मुखी होकर भजन करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, वो सुन तो लिया हमने, हमको कैसे प्राप्त होगा, उस प्रोसेस के ऊपर मैं कुछ बोलने आई थी। मेरा विचार यही था, वो ही बोलूंगी। लेकिन
सिद्धा महा जी हमको एक फूलझड़ी दे दी है, पहले उस फूलझड़ी को देख लें, पीछे हम देखेंगे इनका बात। क्या फूलझड़ी दिए थे? तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी धीरेडितम कलम शाप हम श्रवण मंगलम श्री मदादतम भूवि गणंती ते भूलि दाजना। अभी अभी हम लोग हरि कथा की बड़ा सुंदर बहुत सुंदर सुंदर बात सुन रहे थे। निर्वित स्वरूप ये मानक दसम स्कंद के प्रथम स्कंद का तृतीय श्लोक भी सुना हमने, बड़े अच्छे कथा की महिमा सुन रहे हैं। अब चलते हैं जरा चक्रवर्ती ठाकुर जी की क्लास में चलते हैं, देखें वो क्या कहते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्लेष अलंकार के माध्यम से इसके दो अर्थ बतलाए हैं। पहला अर्थ हम लोग अभी अभी महाराज जी के मुख से सुने थे, एक बार रिपीट करके फिर श्लेष माध्यम से श्री किशोर जी के भाग को भी सुनेंगे। कहते तब कथा मृतम, सबसे पहले ये देखिए गोपी गीत का क्या चमत्कार है। प्री प्लान नहीं था किन्हीं गोपियों का कि हम कुछ गाना है कुछ करना है, ऐसा कुछ भी उनका विचार नहीं था। जब समस्त गोपियां श्रृंगार वट पर आकर श्री किशोरी जी को देखती हैं कि वो भी हा नाथ हा रमण प्या हा नाथ हा रमण क्वासी क्वासी महाभुजा रो रहे हैं, हे महाभुज बड़ी बड़ी भुजाओं वाले श्री कृष्ण हे प्यारे आप कहाँ गए कहाँ गए। गुरु महाराज जी बड़ी भुजाओं के ऊपर ऐसा शब्द बोलते हैं, हम लोगों को ऐसी ऐसी कथा सुनाई जिसको हम दोबारा इस कोट से बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे गुरु कैसा रसिक था, इसका अनुभव वस्तु है, ये इसको एक्सप्लेन करने वाली वस्तु नहीं है। महाबू जी याद आते महाराज जी का सारा वही दृश्य सामने आ रहा है। तो जब श्री किशोर जी को देखा तड़प रही है तो सब गोपियों ने पूछा हे श्यामा जो आप बतलाओ कि ऐसा कोई सरल सहज उपाय बताओ कि जिससे प्यारे यहीं हमें दर्शन दे दें, क्योंकि जितना हम ढूंढते चले जा रहे हैं उतने अंदर चले जा रहे हैं, उतने अंदर चलते जा रहे हैं श्याम सुंदर, और अंधकारमय है वहाँ, कुछ कांटा कुछ भी नहीं दिख रहा है, उनको कष्ट होगा इसलिए हमें उनको कष्ट नहीं देना है, माने ढूंढना नहीं है, आप ही कोई सरल सहज उपाय बतलाओ। तब श्री राधा जी कहती हैं प्यारे को पाने का एक ही सरल सहज उपाय है नाम कीर्तन। तब सारी गोपियां अपने अपने ग्रुप में इसी जिस जगह हम लोग बैठे इसी सौभाग्य ये कितना कितना कैसा स्थान है इसको क्या हमारे पास तो कोई शब्द नहीं जो वर्णन करूं कैसा स्थान है, इसी स्थान पर बैठकर गोपियों ने गीत गाया जिसको गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए गोपी गीत की महिमा, स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ सुहृद सब पक्ष की गोपियां लाखों लाखों गोपियां करोड़ों करोड़ों गोपियां एक एक जूथ में हजारों हजारों गोपियां लेकिन सभी गोपियां एक ही कीर्तन कर रही हैं, एक ही गान गा रही हैं, कोई प्रिप्लान नहीं था इनका, सब एक ही जैसा गा रहे हैं। ये भी योग माया के द्वारा ही संभव है। इसमें बड़ा आश्चर्य होता है, आप लोग हम लोग चिंतन मनन करके देखें कि ये कैसे संभव है। इन सब विषयों पर चिंतन करने पर हृदय द्रवित होता है और अपने आप ही इंद्रियां मन सब कुछ श्री किशोर जी के चरणों में बिकने लगता है। अब अपने मूल सब विषय पर आ रहे हैं कि श्री चंद्रावली गा रही हैं तब कथा मृतम तब तो जीवनम कभी विरीडितम कलम शाप हम हे श्याम सुंदर तब माने आपको हे प्यारे श्याम सुंदर आपकी कथा कैसी है अमृत के समान है। अभी सुने थे हम कैसी अमृत के समान है आपकी कथा कैसी अमृत के समान है, जो इस अमृतमय कथा को सुन लेता है तप्त जीवन जो उनका तपा हुआ जीवन है वो सब शांत प्रशांत हो जाता है, माने कथा रूपी अमृत को पान करके सब ताप ताप सब दूर हो जाते हैं। आपकी कथा ऐसी है तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भीरीडितम ईडितम माने लिखा है कवियों ने लिखा है क्या लिखा है कि कलम शापहम लिखा है जो कृष्ण कथा सुनता है उसके कलमश माने पाप अनर्थ अपराध कृष्ण इतर वासना है सारी
सब चीज जड़ से खत्म हो जाते जो कृष्ण कथा सुनता है। कलमशापहम श्रवण मंगलम, कैसी है ये कथा, सुनने में मंगलदायक है, जो कथा सुनता है उसका मंगल ही मंगल होता है। श्रीमद आदतम, हमारे महाराज जी बोले आदतम, आदतम का मतलब श्यामा जी के हिसाब से बोल गए थे आदतम, लेकिन चंद्रावली बोलती है जो कृष्ण कथा सुनता है उसको सब शोभा संपत्ति सब कुछ प्राप्त होती है। आदतम माने प्राप्त होना, प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद आदतम भूविगणंतिते भूरिदा जना, जो इन सब कथाओं को सुनाता है जगत को देता है उसके समान और कोई परोपकारी दूसरा नहीं है। ये चंद्रावली जी के भाव का वर्णन है। जरा श्यामा जी के भी वर्णन सुन लें, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो हमको क्षमा कर देना, लेकिन यथार्थ बात सत्य श्री राधा जी ही कह रहे हैं। क्या कह रही है श्री किशोरी जी, अरे सखी ललिते लगा है, हमारी ब्रजभाषा चलेगी क्योंकि श्री किशोर जी के भाव है, इसको हम खड़ी भाषा में बोल नहीं सकते हैं। तो ललिता जी राजा जी ललिता जी से कह रही है, अरे सखी लगे है जब चंद्रावली को तो माथो एकदम ही खराब है, पागल है गई है, बाबरी है गई है रे। कहा कह रही है कि तब कथा मृतम, कृष्ण की कथा अमृत के समान है। अरे ना ये झूठ बोल रही है, पागल है। अरे कृष्ण की कथा अमृत नहीं, मृतम, मारने वाली है ये कृष्ण कथा। आप लोग देख लो सब कृष्ण कथा सुन के कैसे पागलों की तरह से बैठे, ना ठंड है ना भूख का याद है ना प्यास की ना कुछ बस लगे पड़े हर समय। हमारा किशोर जी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं जो एक बार भी कृष्ण कथा पूरा सुनेंगे तब बताएंगे, कहते कृष्ण की कथा तब कथा मृतम तब तो जीवनम। चंद्रावली ने कहा कि जो कथा सुनता है उसका तब तो जीवन शांत हो जाता है। श्री किशोर जी उल्टा अर्थ कहते हैं, कहते नहीं नहीं, जो कृष्ण कथा सुन लेता है उसका जीवन तप्त तो होने लगता है, तड़पने लगता है। कैसे तड़पता है, हे राधे ब्रज देवी के चलनिते हे नंद सुनो पुतः, बस अंदर ही अंदर तड़पता रहता है, अंदर ही अंदर खचोटता रहता है उसका हृदय, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन बिना फटे मोर बूक, हृदय फटता रहता है अंदर ही अंदर। हाय रात भी सो के निकल गई, दिन आ गया, दिन सूर्य में खाने में निकल गया, कैसा जीवन निकल रहा है, कैसा काल हमारा जीवन को श्वास को खा के हमको खत्म कर रहा है, बस सोते हैं खाते हैं और फिर सो जाते हैं, ऐसा जीवन हमारा निकल रहा है। माने कृष्ण कथा सुनते ही साधक का जीवन तप्त बन जाता है, तड़फने लगता है, उसको उत्तापित करने लगता है, उसको चैन नहीं होता, दिन रात उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, न किसी से बात करना, न किसी से बोलना, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, बस हर समय घुन की तरह से घूमता रहता है, कहाँ जाऊँ किसके पास जाऊँ कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरे प्रिया जी के राज राह को बता देगा, कैसे चलूँ उस पर, राह सुनने पर भी मुझे चला नहीं जा रहा उस मार्ग में, हर समय तड़पता रहता है। ये तप्त जीवन हो जाता है कृष्ण कथा सुनने से। चंद्रावली पागल कह रही है तप्त जीवन शांत ना, शांत जीवन तप्त हो जाता है। विश्लेष के माध्यम से चक्रवर्ती ठाकुर जी बतला रहे, मैं नहीं बतला रही हूँ। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम, कवियों ने लिखा है, अभी तो कभी लिखते था आकाश में घोड़ा उड़ रहा है, तो आकाश में घोड़ा थोड़ी ना उड़ता है, कवियों की तो कल्पना है, कुछ भी लिख सकते हैं। अरे नहीं सखी, कलमश का अर्थ किशोर जी ने कहा बिरह, जो कृष्ण कथा सुनता है उनका और बिरह बढ़ जाता है, कम नहीं उठता, घटता नहीं है, वो कहती खत्म हो जाता है कलमश माने अनर्थ अपराध, लेकिन श्री किशोर जी कहती है कलमश माने बिरह, जो जितनी कृष्ण कथा सुनता है उसका उतना ही
विरह पड़ता चला जाता है, तब कभी भीतम कलुषाप हम श्रवण मंगलम श्री आप प्रश्लेष करके कहते श्रवण अमंगलम। अरे राधे नलिते विशाखे, मैं तो तुझ साची साची बताऊं हूँ कि जब कृष्ण कथा को नहीं सुनना चाहिए, ये कृष्ण कथा ही अमंगलकारी है, ये कृष्ण कथा मंगलदायक नहीं है, इसलिए अमंगलम। मतलब श्री मदादतम चंद्रावली कहती हैं कि शोभा संपत्ति को देने वाली है। अरे बावरी चंद्रे, तेरे नेको आँख ना है, तेरे आँखन से तो देख रो रो के आँख काली पड़ गई है और पेट पीट में धस गया है, सारा रूप नष्ट हो गया है, स्ट्रीट बेगर माने सड़क की भिखारी बनी बैठी हैं हम, हमारे पास एक चना भी नहीं है, कोई आज तो हम उसका सम्मान कर दे। कहती है ये शोभा संपत्ति को देने वाली है, नहीं नहीं, कृष्ण कथा समस्त शोभा संपत्ति को जड़ से खत्म करने वाली है, ऐसी कथाएं ये। सब लास्ट में कहते हैं भूभी ग्रंथि ते भूरिता जना, जो इन कथाओं को वितरण करता है वो सबसे बड़ा परोपकारी है। अभी अभी महाराज जी से भी सुने थे हम, ये सबसे बड़ा परोपकारी है। किशोर जी कहते हैं नहीं, सबसे बड़ा परोपकारी नहीं, जो ऐसी कथाओं को वर्णन करता है वो सबसे बड़ा शिकारी है। सबसे बड़ा शिकारी कहा है, कैसा शिकारी है? चक्रवर्ती खबू जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर बताया क्या होता है। कथा सुनकर स्वयं तो पागल हो जाता है, अपना मुंडन करा लेता है, घर त्याग देता है, ब्रह्मचारी सन्यासी रूप धारण कर लेता है, बगल में पोथी लगा लेता है भागवत जी की, वो कहता है भैया भागवत सुन लो, भागवत सुन लो, आपसे कुछ नहीं लूंगा, मुझे तुलसी का पत्र दे देना, एक आध रोटी खाने को दे देना, पर मुझे कथा सुन लो। माने खुद तो बर्बाद होता है, ये सब लोग हमें बर्बाद करके तो लाए हैं यहाँ पर, ऐसी सुंदर सुंदर कथा सुना सुना कर घर बार विषय सब छुड़ा छुड़ा के यहाँ पर पटक दिया हम लोगों को लाकर, अब चले जाते हैं कहाँ, विदेशों में भाग जाते हैं, इधर उधर कथा करने चले जाते हैं, पर टांको तुम। इन लोगों का कृष्ण जैसा नेचर होता है। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण को क्या नेचर है, कृष्ण का कृष्ण कथा करनी है ना, कृष्ण का क्या नेचर होता है, जिन नैनों में नीर बहा करता उन नैनों में श्याम बसा करता है, जिनमें बस रोना सिसकना देते हैं वे, रोते रहो तड़पते रहो मैं तो चला। यही हमारे गुरु वैष्णव संतों का ही नेचर होता है। पहले तो बहुत मीठी मीठी सुंदर सुंदर ऐसी सुंदर सुंदर कथा करते हैं, देखते हैं अब ये कथा में पूरा फंस गया है हमारे पास, तब जाके ऑपरेशन करना प्रारंभ कर देते हैं, आना घर बार सब छुड़ा कर ले आते हैं सब यहाँ पर। तो क्या कहती है किशोरी जी कि जो ऐसी कथाओं का वर्णन करता है वो परम शिकारी है। कैसा शिकारी है इसका प्रमाण देकर कहती है किशोरी जी, ब्रह्मा गीत में देखिए, कहते हैं यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष अशेष शेषहा, कहते हैं श्री राधा जी कह रही है भ्रमर से, हे भ्रमर तू जानता नहीं ये क्या है। बाई यद माने बाई चांस, अगर किसी के कान में, राधा जी के शब्द बोल रही हूँ मैं, अपने नहीं बोल रही हूँ, राधा जी खुद कह रही है, ललिता विशाखा पास में बैठी है सांत्वना दे रही है, भ्रमर सामने गुनगुना रहा है, किशोर जी के चरणों का पराग पीने के लिए तड़प रहा है, बार बार आ रहा है, उससे कह रही है अरे भ्रमर तू नहीं जानता, तेरी तो नई यारी है ना, हमारी तो उनसे लंगोटिया यारी है, माने जन्म से ही उनसे उनसे प्यार है, तू नहीं जानता अपने स्वामी का नेचर, हम जानते हैं, सुन तू क्या है, क्या नेचर है। कहते हैं इनका नेचर ये है स्वभाव कि यदि किसी के कान में भी उनका चरित्र, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनका नाम कुछ भी एक बार भी कान में चला जाता है तो क्या होता है, विनष्टा द्वंद्व धर्म, द्वंद्व धर्मों को विनष्ट नष्ट नहीं करती ये कथा, भी नष्ट कर देती है।
कैसे नष्ट नहीं करती, विनष्ट माने जड़ से उखाड़ के पटक देती है। इन लोगों से पूछो, इनको कभी अपने माता पिता भाई बंधु गृहस्थी की कभी याद आती भी है? गुरु मां जी कहते थे किसी भी ब्रह्मचारी से सन्यासी से कभी पूर्व परिचय पूछना नहीं। ये पूर्व परिचय के लिए तुम लोग यहाँ नहीं आए हो। जब भी पूछो तो गुरु जी का परिचय ही हमारा शुद्ध परिचय है। तो हमारे वृषभानंदनी कह रही है कि जिनके कान में एक बार भी कृष्ण कथा चली जाती है तो क्या होता है, विनष्टा द्वंद धर्मः। उसके जितने भी द्वंद धर्म है, द्वंद धर्म ने माता पिता भाई बहन पति पत्नी, ये जितने आपस के जो द्वंद धर्म है नष्ट नहीं होते, विनष्ट हो जाते हैं। भी शब्द भी उपसर्ग लगा के बतलाया है वहां चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, विशेष रूप से सब खत्म हो जाती है, ऐसी कथा है ये भ्रमर। तो भ्रमर कहता है स्वामी जो जब उसका सब घर बार सब छूट जाता है तो वो खाता पीता क्या है? तो उसी श्लोक में कहते हैं विहंगा भिक्षुक चर्या चरंती ते माने जिनके कान में एक बार भी कृष्ण कथा चली जाती है वो अपनी दो तरह से जीवन यापन करता है, या तो भिक्षुक बन जाता है जहाँ जो कुछ मिल गया खा लिया, यमुना जी का जल पिया दिन रात, हे राधे व्रज देवी के चलली दे हे नंद सुनो कुतः, ये करता रहता है। अथवा विहंगा, विहंगा माने पक्षी, क्या करता है, कहीं पक्षी कहीं चुगता है, कहीं जल पीता, कहीं सोता है, कहीं रैन बसेरा करता है। ऐसे ये भक्त हैं। हम लोगों ने अपने गोस्वामी वर्गों के विषय में हमने ये सुना है कैसे कैसे राजा धीराज के घरानों के ये हमारे गोस्वामी वर्ग थे, कोई छोटे मोटे नहीं थे। क्या नरोत्तम ठाकुर हो, चाहे रघुनाथ दास गोस्वामी जी हो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हो, हमारे गुरु परंपरा में कोई भी हमारा आचार्य क्यों ना हो, सब एक से एक धनाढ्य घर के थे। परम गुरु मां जी के विषय में सुन रहे थे, वो जमींदार घर के लड़के थे। मतलब कहने का तात्पर्य बहुत धन संपन्न परिवार से आए थे, और क्या साथ लेके आए थे, एक लंगोटी भी अपने साथ नहीं लाए। सनातन गोस्वामी जी के विषय में सुनते हैं कि वो कंबल और लोटा लेकर आए। कंबल तो शायद गंगा जी पर ही चला गया और गंगा जी के लहर लोटा को भी ले गए। अब उनके पास पूर्व आश्रम का कोई परिचय उनके पास नहीं रहा। फिर ये कैसे करते हैं, बेहंगा की तरह से, पक्षी की तरह से, कहीं खाते हैं कहीं सो, मिल गया तो कभी मुट्ठी चना तो कभी वो भी मना। हमारी तरह से नहीं है कि ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच टाइम से होना चाहिए, डिनर होना चाहिए, रात का दूध होना चाहिए, ये चाहिए वो ना, ये भजन करने वाले की परिपाटी नहीं है। हम वैसा भी भजन नहीं कर सकते तो कम से कम आशा तो रख सकते हैं, तड़प तो सकते हैं। हाय हाय मन, तू इस गद्दे पर सोने के लिए आया? हमारे गोस्वामी वर्गों ने, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कैसा कैसे वैराग्य से भजन किया है। ऐसा ही हम लोगों को अंदर से टीस मारते हुए इस विषयों को हमको छूना चाहिए। तो कहते हैं किशोरी जी, ये शिकारी होते हैं, अपने घर बार को क्या करते हैं, बर्बाद करके आते हैं और दूसरों के घर बार को बर्बाद करने के लिए तुले रहते हैं। ये कहते हैं ये शिकारी हैं, परोपकारी नहीं है। ये तो मैंने श्रीधर महाराज जी की कथा का एक जो मुझे पिंच लगा तो उसको मैंने उत्तर दे दिया। अगर समय हो तो 10 मिनट और लूं तो दुख बोलो, नहीं तो यही विश्राम कर रहे हूँ, क्योंकि प्रभु जी आप महाराज जी 6:30 बजे हमारी आरती करा दिया करिए, क्योंकि हमको रात में अकेले जाना पड़ता है। बस मैं 2 मिनट लेकर ये विश्राम कर रहे हैं कि कथाएं हमारी ऐसी कथाएं, आप लोग अभी इस भाग्य को नहीं समझोगे, हम तो ब्रज के जन्मे हुए बच्चे हैं ना, तो कोई सी ऐसी संप्रदाय नहीं, कोई ऐसी धारा नहीं जिसके संतों से हम लोगों का मिलन ना हुआ हो। करोड़ों अरबों संतों को जानते हैं हम लोग, ब्रज 84 कोस का कोई ऐसा साधु नहीं है जिसके पास हमारा गमन दर्शन ना हुआ हो। आप लोग नहीं जानते, आप लोग यहाँ पे सीमित हैं, इसलिए हम जानते हैं। क्या जानते हैं, जो इस मठ में कथाएं होती है ना, ऐसी कथाएं हमारे वृंदावन में 35 मठ है, आज के दिन में 34 मठों में नहीं मिलेगी, गारंटी से ढोल बजाकर इस बात को कह रहे हैं हम। जैसी कथा हम लोगों को अपने मठ में
में सुनने को मिल रही है ऐसी कथा, और कहीं भी यहाँ तक गौड़िया मठों में नहीं मिलती है सुनने को, तो औरों को कहाँ मिलेगी ऐसे सिद्धांत, इतनी रसमय कथा। हम लोग परम रसिक हैं, कैसे रसिक हैं, कैसे संपत्ति से धनाट हैं, अभी हम लोगों को मालूम नहीं है। अगर मालूम करना है तो दास गोस्वामी जी की क्लास में जाओ, रूप गोस्वामी जी की में जाओ, चक्रवर्ती ठाकुर जी की क्लास में जाओ। हमारे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर की क्लास में जाने से पता चलेगा हम लोग कितने धनाट व्यक्ति है। पर क्या करें, वो धन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ना हमको कोई ऐसा धन देने के लिए कान पकड़ पकड़ के बाल खींच के जो उठाने वाला कोई नहीं रहा कि ऐसी डू और डाई वाली कथा हो, जिसे उन्हीं ने इंजेक्शन कहते हैं, लगता है एकदम दिमाग खुल जाए। हम कौन सा अंधेरे में जी रहे हैं, कहाँ हमको चलना है, कहाँ हमारा गंतव्य स्थल है, कैसे हम लोगों को चलना होगा। जो कल हमने कथा सुनी थी, क्या कि अपने हृदय के अंदर से कथा को जो सुन रहे हैं, कानों से नहीं, आंखों से नहीं, कानों से सुनो और हृदय से उसका चिंतन करते हुए ऐसा भजन करो, तब अति शीघ्र स्टाम्प पर लिख लीजिए इस बात को, अति शीघ्र माने हो सकता है इसी जन्म में हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए, कोई इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अगर हमारे गोस्वामी वर्गों के जो गुरुमा जी हम लोगों को रास्ता बतला कर गए हैं, जो हमारे वैष्णव लोग हम लोगों को अभी भी रास्ता बता रहे हैं, जागो जागो जागो, दिन रात क्या करो, लकड़ी में जैसे घुन लग जाता है, उसी घुन की बांधी इस कथा का हर समय चिंतन मनन, वही कुछ स्मरण करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो। तो पहले बार बार करने पर पहले मंत्रोमय उपासना प्रारंभ होगी, फिर यही धीरे धीरे यह मंत्रोमय उपासना स्वरासिकी में बदल जाएगी, और स्वरासिकी उपासना आते ही एक दो तीनों को श्री किशोर जी के चरणों में पहुंचेंगे। बादशाह कल्पतरु हर्ष कृपा सिंधु गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। सपार्श सपरिका शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जयुक्त हूँ। सपार्श सपरिका श्री गौर नित्यानंद प्रभु जयुक्त हूँ। उपस्थित पूज्य पाठ श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडत प्रणाम। अन्य अन्य वैष्णवगण श्री पाद रामचंद्र प्रभु समस्त ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडत प्रणाम। आज एक बहुत विशेष दिन है, और अभी हमने जो कथा श्रवण की बहुत ही सुंदर रूप में श्री चक्रवर्ती पाद जिन्होंने श्रीमती राधिका के हृदय को उनके हृदय के भावों को अपनी टीका के माध्यम से जगत से परिचय कराया है, वास्तविकता में हम गौड़िया जनों की यही संपत्ति है। और एक एक शब्द की शले शरंकार के साथ में जिस प्रकार की व्याख्या की गई वो निसंदेह बड़ी सराहनीय है। यही गुरु महाराज जी का वैशिष्ट्य भी है। वास्तव में शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की इच्छा थी वो श्री मायापुर में अथवा गोद्रुम धाम में श्री विष्णु प्रिया पल्ली नाम से वो एक स्थान का निर्माण करना चाहते थे, जहाँ पर उनकी इच्छा थी कि गौड़िया राज्य में जो महियसी महिलाएं हुई हैं श्री जानवा ठाकुरानी और श्री हेमलता ठाकुरानी श्री शची देवी इत्यादि, वो कहते थे उनके आदर्श को लेकर गौड़िया संप्रदाय में जो
महिला भक्त हैं उनको भी अपने पारमार्थिक जीवन को उन्नत करने का संपूर्ण सुयोग प्राप्त हो। श्रील प्रभुपाद जी के की यह जो इच्छा है यह संपूर्ण रूप में तो पूर्ण नहीं हो सकी उस समय में परिस्थितियों के कारण, किंतु गुरुपाद पद्म ने इस विषय में अत्यंत सराहनीय प्रयास किए, अत्यंत सराहनीय। यह गुरु जी का वैशिष्ट है। और अभी जो हम हरिकथा सुन रहे थे हमारी पूजनीय सविता दीदी से, एक एक शब्द की जिस प्रकार की व्याख्या है, ये सब गुरु महाराज जी का ही ये सब संपत्ति है। बड़ा हृदय को सरसता मिलती है, एक एक शब्द को किस प्रकार राधा जी के भाव वर्णन किए जा रहे हैं। तो उन्हीं विरह के भावों का वर्णन करते करते आज क्योंकि एक विशेष दिवस है, आज श्रीमन महाप्रभु जी के अंतरंग परिकर श्री नरहरि सरकार ठाकुर का शुभ तिरोभाव है, आज विरह का ही दिन है, तो गुरुपाद पद्म की इच्छा से प्रसंग भी ऐसा ही उठ गया। श्री नरहरि सरकार ठाकुर का आज शुभ तिरोभाव है। जो पंजिका में लिखा है अभी तो उसके अनुसार ही कर लो। वैष्णव का गुणगान तो नित्य ही कृत्य है, प्रतिदिन करना चाहिए। विरह हम गौड़ीय वैष्णव की नित्य संपत्ति है, उसका ही अनुसंधान करना है, इस दृष्टिकोण से ही हो। अब इस विषय में तो जो करता है उनके निकट जाकर प्रश्न किया जाए। हमें तो सुयोग मिला वैष्णव की महिमा कहने के लिए, अच्छी बात है, वर्ष में कितनी बार भी हो। तो आज उनका शुभ तिरोभाव है। वो श्री चैतन्य शाखा के, श्री चैतन्य शाखा में उनकी गणना है। श्री नरहरि सरकार ठाकुर खंडवासी, श्रीखंड एक स्थान है कटवा धाम के निकट में। श्रीमन महाप्रभु जी के बहुत सारे परिकरों का वहां पर निवास स्थान है, अथवा कह सकते हैं निवास स्थान था, किंतु निवास स्थान अभी भी है। श्री नरहरि सरकार ठाकुर, श्री रघुनंदन ठाकुर, श्री मुकुंद जी, श्री चिरंजीवी, श्री सुलोचन, श्री बलराम, श्री रामचंद्र कविराज, श्री गोविंद कविराज इत्यादि बहुत सारे महाप्रभु के परिकरों का वो स्थान है। ब्रज में जो श्रीमती राधिका की बड़ी प्रिय मधुमती सखी हैं, वही श्री चैतन्य लीला में श्रीमन महाप्रभु जी के अंतरंग परिकर श्री नरहरि सरकार ठाकुर के रूप में श्रीखंड धाम में प्रकट हुए। बड़ी उनकी अद्भुत महिमा है। एक समय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी वो श्रीखंड में उपस्थित हुए श्री नित्यानंद प्रभु जी के साथ में, और उनकी इच्छा हुई मधुपान करने की। तो श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी ने अपने बड़े दिव्य प्रभाव से वहाँ स्थित एक सरोवर को, जिसमें जल था, उस सरोवर के जल को ही मधु में, शहद में परिवर्तित कर दिया, और उससे श्री गौर नित्यानंद प्रभु जी की उन्होंने प्यास बुझाई। बड़ा अचिंत उनका प्रभाव था। श्री चैतन्य चरितामृत इत्यादि में उनकी बहुत कुछ, श्री चैतन्य भागवत में भी उनके विषय में बहुत कुछ वर्णन है, किंतु समय क्योंकि संक्षिप्त है बहुत कुछ कहना बड़ा कठिन है। विशेष करके श्री गदाधर पंडित जी के अनुगत्य में उन्होंने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की अंतरंग सेवा करने का भी सुयोग प्राप्त किया सब प्रकार से। किंतु मूल बात हो रही है विरह की, तो आज उनकी विरह तिथि है। हम लोगों ने सुना था शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि विरह का क्या गौड़ीय ये जो गौड़ीय समाज है, ये जो गौड़ीय साहित्य है, इसमें विरह का इतना अधिक आदर और इतना अधिक गुरुत्व क्यों बतलाया गया है। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, मिलने साये का विरह तू तन्मयम जगत। विरह में क्या होता है, सर्वत्र कृष्ण की स्फूर्ति होती है। अभी जैसा राधा जी के भाव, हमको नहीं ज्ञात है कि कितने लोग हम समझ सकेंगे इन भावों को, किंतु यदि इसमें थोड़ा सा प्रवेश हो ना, क्या श्रीमती राधिका एक एक मन के भाव जो अपने उघाड़ रही है, और क्या उनके हृदय की संपत्ति है, जिसके माध्यम से हमको कुछ अनुमान हो सकता है कि विरह वास्तव में किसको कहा जाता है। तन्मयम जगत, विरह में क्या है, सर्वत्र इष्ट की स्फूर्ति होती है। इसलिए हमारे परम गुरु महाराज जी कहते हैं, शोक जो है ना वो क्या है, वो तमोगुणमय है, किंतु विरह क्या है, विरह निर्गुण है। और परम गुरु जी कहते हैं, वैष्णव वैराग्य जो है वो विरह से ही उद्भूत होता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो वैराग्य है वो विरह से उद्भूत है। जिस ब्रज धाम की इतनी महिमा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गा रहे हैं, यत किंचित तृण गुलम कीकट मुखम गोष्ठे समस्तम ही तत् सर्वानंदमय मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम, जिस राधा कुंड की उन्होंने इतनी महिमा लिखी है, निज निकट निवासम देही गोवर्धन त्वम, जिस गिरिराज गोवर्धन के लिए वो निकट में वास की प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी अद्भुत गिरिराज जी की महिमा लिखी है।
राधा कुंड की महिमा लिख रहे हैं। वृषभ अनुज नाशार नर्म धर्म उक्ति रंगेर निखिल निज सखी बृहत स्वहस्ते न पूर्णम प्रकटितम अपि वृंदारण्य राज्ञ प्रमोदेश तदति सुरभि राधा कुंड में वाश्रय में। अरे ये राधा कुंड मेरा आश्रय हो जाए, गिरिराज जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वही रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी के विरह में क्या कह रहे हैं, शून्यायते महागोष्ठम गिरिंद्रो अजगरायते व्याघ्रतुंडायते कुंडम जीवातु रहितस्यमे। अरे मेरे प्राण, श्री रूप गोस्वामी जी के विरह में ये राधा कुंड, ये गिरिराज गोवर्धन मुझको व्याघ्र बाघ के समान अजगर के समान प्रतीत हो रहे हैं, ये ब्रज धाम मुझको शून्य प्रतीत हो रहा है, ये विरह की बात है। तो हमको कुछ समझना है, यदि इस विरह को नहीं समझ सके ना, गुरु महाराज जी तो कह रहे हैं स्पष्ट रूप में कि यदि हम साधन करते समय श्री गुरु वैष्णव से कुछ विरह का अनुभव नहीं कर रहे हैं, ये उनका वक्तव्य है, ये शब्द है उनके, ऑडियो है वीडियो है, जिनको सुनना है सुने। तो गुरु महाराज जी कहते हैं यदि हमको विरह का अनुभव नहीं हो रहा है गुरु वैष्णव से, भगवान तो अभी दूर है, कृष्ण दूर, महाप्रभु दूर, राधा जी दूर, गुरु वैष्णव से विरह नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ हमारा साधन ही अभी आरंभ नहीं हुआ। तो गुरु महाराज जी कहते हैं सब गोस्वामियों का भजन देखो, जैसा अभी सुन रहे थे ना, हे राधे चा ब्रज देवी के चलनिते, हे नंद सुनो पुता कहां हो आप, हे नंद सुनो, ये विरहमय भजन है। श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी क्या कह रहे हैं, श्रीमती राधिका के भाव में विभावित होकर आई, दीन दयाद्र हे नाथ मथुरा नाथ कदावलोक्य से, ये जो सब भाव है ये विरहमय भजन है। तो हम गौड़िये जो परंपरा में आए हुए जो भक्त लोग हैं उनका तो ये विरह ही संपत्ति है, इसलिए विरह में उद्धव जी ब्रज में आए, श्रीमती राधिका की चर्चा छेड़ दी अभी, वास्तव में तो ये कार्तिक मास में यही सब चर्चा होनी चाहिए, कैसे श्रीमती राधिका के दिव्य भाव है। उद्धव जी ब्रज में आए संदेश देने के लिए राधा जी को, और जब उनका राधा जी के साथ में मिलन हुआ, मिलन अर्थात भेंट हुई राधा जी के ब्रज गोपियों के साथ में, ब्रज गोपियों ने क्या देखा, नंद बाबा के घर के बाहर में एक स्वर्णमय रथ खड़ा हुआ है। तो ब्रज गोपियों के मन में आया, क्या मन में आया, अरे यह अक्रूर तो अभी कृष्ण को ले गए थे, अब तो कंस का वध भी कर दिया कृष्ण ने, तो अभी अक्रूर जी पुनः ब्रज में क्यों आए हैं, ये क्यों आए हैं ब्रज में, उनको तो अभी उद्धव जी दिखे नहीं, केवल रथ देखा, तो मन में विचार कर रही है क्यों आए अभी, अरे ये क्या हमारे, हम ब्रजवासियों का मांस लेने के लिए आए हैं क्या, हमारे मांस से अपने मृत स्वामी का पिंड दान करेंगे क्या। तो उसी समय उद्धव जी नंद बाबा के भवन से निकल रहे हैं, और निकल करके ब्रज गोपियों ने देखा अरे ये तो कृष्ण के दूत हैं, तो बड़ी व्यग्र होकर के निकट में आ गई उद्धव जी के, और उद्धव जी से प्रश्न करने लगी, और प्रश्न करते करते उद्धव क्यारी में जब पहुंची, अब ये प्रसंग तो बड़ा विस्तृत है, इसमें बड़े अद्भुत अद्भुत दिव्य भाव है, किंतु ब्रज गोपियों ने उद्धव जी को उल्हाना देना जब आरंभ किया, अरे क्यों आए हो ब्रज में, तो एक शब्द श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, ब्रज गोपियां क्या कह रही हैं, संदेश हरम रमापते, उल्हाना दे रही हैं। ये उल्हाना वास्तव में कौन दे रहा है, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जो है ना, वो तो श्रीमती राधिका के शुक हैं, तो वो गोपियों के पक्षपाती हो गए, गोपियों के भाव में डूबे हुए हैं, तो गोपियों के पक्षपाती होकर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद उल्हाना दे रहे हैं, संदेश हरम रमापते, रमापते माने लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति का संदेश लेकर के आए हो ना, क्यों, अब तो वो मथुरा चले गए, राजा हो गए, अब उनको हमारा स्मरण क्यों होगा, अब तो वो क्या हो गए, लक्ष्मीपति हो गए, तो संदेश हरम रमापते, ऐसे उल्हाना दे रही है ब्रज गोपियां, ये उनके मन के भाव है ब्रज गोपियों के, ये उनके मन के भाव है, अरे हमारे हमको संदेश देने नहीं आए हो, उद्धव जी से ब्रज गोपियां कह रही अपने मन के भाव, अरे तुमको कृष्ण ने इसलिए भेजा है, क्यों भेजा कृष्ण ने, अरे लोक निंदा के भय से भेजा कृष्ण ने, कि लोग कहेंगे यहाँ तो माता पिता विरह में मर रहे हैं और वहां वो कृष्ण राज कर रहा है, तो इसलिए लोक निंदा के भय से भेज दिया, और उसमें भी माता पिता को सांत्वना देने के लिए भेजा, क्यों, माता पिता के साथ में तो ब्लड रिलेशन है ना, रक्त का संबंध है, माता पिता है, तो उनको सांत्वना देने के लिए भेजा, हमको सांत्वना क्यों देने के लिए भेजेंगे, हमारा तो कृष्ण के साथ में कोई संबंध नहीं है, ऐसे उल्हाना दे रही, यही सब विशेष अलंकारिक भाषा में, और कुछ कुछ हमारा प्रवेश भी होना चाहिए, अनुप्रास अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है, शलेश अलंकार क्या है, क्योंकि गोस्वामियों के भावों को यदि समझना है तो कुछ ना कुछ ये अलंकारों का व्याकरण का भी कुछ ना कुछ हमको ज्ञान रखना पड़ेगा, किंतु गुरु और गोस्वामियों के मत के अनुसार ऐसे संस्कृत का पंडित बनने जाएंगे तो साधारण विचार से सब कुछ नहीं समझ में आएगा, किंतु हमारे श्री जीव गोस्वामी चरण ने जो हरिनामामृत व्याकरण इत्यादि में जो सब कुछ बतलाया है ना, उसको जब थोड़ा प्रवेश करेंगे
तब समझ पाएंगे श्री रूप गोस्वामी जी की भाषा क्या है, श्री चक्रवर्ती पाद की भाषा क्या है। तो ऐसे उसी समय में उद्धव जी ने क्या देखा, एक गोपी को देखा, काचित, काचित माने एक गोपी, वो कौन है, श्रीमती राधिका। और श्रीमती राधिका अपने दिव्य भावों को वर्णन कर रही है एक भंवरे को लक्ष्य करके, मधु कितब बंधो, अरे भंवरे तुम उस कपटी के बंधु हो, हमारे चरणों को स्पर्श मत करो, क्यों, तुम्हारा और उसका स्वभाव एक जैसा है। तब राधा जी अपने मन के भाव बतला रही, अरे जैसे पक्षी वृक्ष के फल इत्यादि लेने के पश्चात उसका परित्याग कर देते हैं, जैसे पुरोहित दक्षिणा लेने के पश्चात यजमान का घर को छोड़ देते हैं, जैसे राजा प्रभावहीन हो जाए तो प्रजा उसको छोड़ देती है, जैसे विद्यालय में छात्र लोग शिक्षा लेने के पश्चात विद्यालय को गुरु को छोड़ देते हैं, ऐसे ही हमको प्रयोजनहीन जान करके तुम्हारे स्वामी ने हमको छोड़ दिया। और ऐसे दिव्य भाव श्रीमती राधिका अपने मन के वर्णन कर रही, अरे हमको नहीं पता राधा जी कह रही है कैसे लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है, अवश्य ही लक्ष्मी वो कृष्ण की मधुर मधुर बातों से उनके जाल में फंस गई होगी, किंतु हम तो बड़ी बुद्धिमान है, अब यहां पर भी ये सब राधा जी क्या कर रही है, व्यंग्य पूर्वक अपने मन की दशा कह रही है। जैसे अभी सुन रहे थे ना श्लोक में एक एक बात को राधा जी कैसे अपने मन की, तो राधा जी ऐसे व्यंग्य पूर्वक अपने मन की बात कह रही है, हम तो बड़ी बुद्धिमान है, अरे लक्ष्मी उनकी बातों में आ गई, हम उनकी बातों में नहीं आएंगे। तो ऐसे बड़े विरह के दिव्य भावों का श्रीमती राधिका वर्णन कर रही है। तो ये विरह जो है ये हम गौड़ीय वैष्णव की संपत्ति, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे यद्यपि ब्रजवासी, ब्रजवासियों का, ब्रज गोपियों का, राधा जी का कृष्ण से विरह हो ऐसा कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता, किंतु विरह होता है। विरह किस लिए होता है, ब्रज में असुर लोग किस लिए आते हैं, तो गुरु महाराज जी एक शब्द व्यवहार करते हैं, प्रेम के रेन्यूअल के लिए, प्रेम के रेन्यूअल के लिए सब असुर लोग ब्रज में आते हैं। तो ये विरह जो है ना, गुरु महाराज जी कहते हैं मिलन के मस्तक पर चढ़कर नृत्य करता है, ये विरह जो है मिलन के मस्तक पर चढ़कर नृत्य करता है, ये विरह जो है, इतना इस विरह का गौड़ीय साहित्य में इसलिए इसका इतना वर्णन किया गया, क्यों, मिलने सायिका, कृष्ण राधा जी के साथ में बैठे, राधा जी उनकी सेवा कर रही है, किंतु श्री श्रीधर गोस्वामी पाद जी कहते हैं विरहे तू तन्मयम जगत, जब राधा जी को कृष्ण से विरह होता है ना तो उनको मेघ देखने पर कृष्ण की स्फूर्ति होती है, तमाल वृक्ष देखने पर कृष्ण की स्फूर्ति होती है, मयूर पंख देखने पर कृष्ण की स्फूर्ति होती है, इसलिए इस विरह भाव का गौड़ीय राज्य में इतना आदर है। तो आज भी एक बड़ा विशेष दिन है और यही हमारी प्रार्थना, ऐसी चर्चाएं हो कुछ, ये गोस्वामियों की टीकाएं, हमारे प्रभुपाद जी के विचार, यही सब क्या है, हम गौड़ीय जनों की संपत्ति है और गौड़ीय मठ का यही वैशिष्ट है। हम तो उस दिन भी कह रहे थे यदि गौड़ीय मठ के लोग गौड़ीय मठ की भाषा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा गौड़ीय मठ की भाषा। तो प्रभुपाद जी ने जो आलोक प्रदान किया है ना गोस्वामियों का, उस प्रभुपाद जी, ठाकुर प्रभुपाद जी के, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के आलोक में जब गौड़ीय गुरु वर्गों के, गोस्वामी वर्गों के विचार को समझेंगे ना, आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आश्चर्य में। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं वैराग्य की ऐसी बात कहीं सुनी होगी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे आशा भरैर्मित सिंधुमय कथंचित कालो मयाति कविता किल सांप्रतम ही, रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा जी के विरह में व्याकुल होकर के कह रहे ब्रजवास हमारा निष्प्रयोजनीय है, क्या करेंगे ये गोवर्धन में वास करके, क्या करेंगे राधा कुंड में वास करके, अरे कृष्ण की भी प्राप्ति हो जाए तो भी उससे हमको कोई प्रयोजन नहीं है, यदि राधा जी आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा न करें। श्रीला प्रभुपाद जी कहते निर्लोक में ऐसे वैराग्य की बात कहीं सुनी होगी, त्रिभुवन में ऐसे वैराग्य की बात नहीं सुनी होगी। तो शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने जो आलोक प्रदान किया श्री रूप रघुनाथ जी के विचार का, उससे जब हम कुछ समझेंगे तब जान पाएंगे ये गौड़ीय मठ का वैशिष्ट क्या है, ये गौड़ीय मठ के पास संपत्ति क्या है, ये हमारे गोस्वामियों के पास संपत्ति क्या, और तब वास्तव में साधन भजन हमारा वास्तविक रूप में, हमारा जो साधन भजन है वो उन्नत अवस्था को प्राप्त होगा। तो इसलिए कहने को तो बहुत कुछ है, आज यहीं तक रहे क्योंकि आरती का समय हो गया है, आगामी दिनों में भी हम ऐसे ही ये दामोदर अष्टकम और ये सब जो दशम स्कंद की जो सब चर्चाएं हैं, कभी तो सुनने को मिले कानों में, कभी तो प्रवेश करे कानों में, क्यों श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं विदग्ध माधव इत्यादि में सुधा नाम चांद्री नाम अपि मधुरी मोहन माध दमनी दधाना राधादि प्रणय घन सारे सुरविताम समन्तात संतापोद्गम विषम संसार सरणी प्रणीताम ते तृष्णा हरतु हरि लीला शिखरणी। अरे भक्तों इस हरि लीला रूपी शिखरणी का पान करो, यदि तुम इस हरि लीला रूपी शिखरणी का पान करोगे इस संसार ताप के, इस संसार रूपी विषम जो सरणी जो सरोवर है ना उससे जितने ताप निकल रहे हैं तुम्हारे वो सब ताप दूरीभूत हो जाएंगे। किंतु वो हरि कथा कैसी हो, राधा जी का जो घनीभूत प्रणय है ना प्रेम है उससे सुरभित हरि लीला,
राधा जी के घनीभूत प्रेम से सुरभित जो हरि लीला है उसको जब तुम श्रवण करोगे ना, तुम्हारे सारे ताप दूर हो जाएंगे। क्यों श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं? तो हमको ये कुछ जो राधा जी के जो ये सब भाव हैं, कुछ ना कुछ इसका अनुसंधान हमको रखना होगा। शिला प्रभुपाद जी कहते थे केवल अनर्थ निवृत्ति हमारा साधन, संपूर्ण साधन नहीं है, अर्थ प्रवृत्ति की भी हमको जानकारी होनी चाहिए। अनर्थ निवृत्ति होने के पश्चात हमको क्या संपत्ति मिलेगी उसकी भी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो यही सुयोग मिलता है कार्तिक मास में। कुछ एक हम क्या करें, हम ऐसे जो दिव्य भाव हैं ये ब्रजवासियों के, राधा जी के, जो हमारे प्रभुपाद जी हमारे गुरुपाद पद्म ने जो हमको दिया है उस पर कुछ हम चर्चा करें, तब तो उनके चरणों में अनुराग होगा, तब तो उनके चरणों में हमारी प्रार्थना होगी, तब हम नरोत्तम दास ठाकुर जी की भाषा में कह पाएंगे नरोत्तम वांछा पूर्ण नहि तुया बिना। आपके बिना हमारी वांछा पूरी नहीं होगी, व्याकुलता आएगी गुरुपाद पद्म के चरणों में, तब विरह उत्पन्न होगा जब जानेंगे थोड़ा सा उन्होंने हमको क्या दिया है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि आरती 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 दिया नहीं नहीं लगा रहे दो इस दो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम बजा बजा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम